हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का सेट नंबर 13। और आपको अच्छे से मालूम है कि स्टैटिक जीके का ये जो सीरीज़ था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ था और इसीलिए इसका सेपरेट प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो आप सभी सेट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। तो छत्तीसगढ़ है किस स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है अपना बाउंड्री, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ एंड द राइट आंसर इज आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है आपका एकदम राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सबको शेयर करता है आपको छत्तीसगढ़, बट वेस्ट बंगाल के साथ नहीं होता है, साझा नहीं करता है बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 की हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये वॉर है। तो हु अमॉन्ग, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर का नाम आपसे पूछा गया है जब 1971 की लड़ाई हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय वे कौन डिफेंस मिनिस्टर थे। यस, जगजीवन राम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट सैयद रूलर कौन है दिल्ली के, यहां करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका खिजिर शाह जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ चाइना। तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा बाउंड्री साझा करता है चाइना के साथ, एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है On the occasion of World No Tobacco Day on 31 मई which state banned e-cigarette। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या, आपको भी मालूम है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 31 मई को ये होता है आपका नो टोबैको डे। तो किस पहल वो कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने बैन किया है e-cigarette को, तो राजस्थान आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है Which of the following metals has an ore named galena? ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा मेटल है जिसका नेम है गैलेना। लीड यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीड का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following states separates नेपाल from भूटान। तो वो कौन सा स्टेट है जो अलग करता है नेपाल को भूटान से, और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सिक्किम ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर ऑफ महात्मा गांधी वास। तो महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है, पुतली बाई आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हाउस द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, और यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट आपको ये करना चाहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टैटिक का वीडियो जो होने वाला है वो आपका हेड क्वार्टर से ही होगा। ठीक है, जितने भी बैंक हैं प्राइवेट पब्लिक इन सबके हेड क्वार्टर्स का नाम आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका मुंबई आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मुंबई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है, मुंबई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विद, जो 124वां अमेंडमेंट हुआ है ठीक है 2019 में, वो किससे रिलेटेड है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक रिजर्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 11 है Which of the following rivers is popularly known as दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा रिवर जाना जाता है, गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास पासवान इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो रामविलास पासवान जो है वो किस पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द सिटी ऑफ बेलागावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, तो ये जो सिटी है बेलगावी ये जो आपको किस स्टेट में ये आपसे पूछा गया, द सिटी ऑफ बेलागावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि इन 1872 लॉर्ड मयो द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज एसेसिनेटेड इन, ओके, तो इन 1872 1872 में जो लॉर्ड मेयो हैं द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज एसेसिनेटेड इन, कब उनकी मृत्यु हत्या कर दी गई थी, तो पोर्ट ब्लेयर्स में कर दी गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में एक टर्म आता है रैम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो रैम का आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच स्टेट इज संभल संभार द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड। ठीक है, तो वो किस स्टेट में सांभर जो कि एक लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांभर लेक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो हर्ज जो है किसका एसआई यूनिट है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड। ठीक है, तो मुंद्रा पावर प्लांट ये कहाँ लोकेटेड है, इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड, गुजरात आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर वाज सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जो सत्य शोधक समाज कब फाउंडेड हुआ था, ज्योतिराव फुले द्वारा। तो सत्य शोधक समाज ये कब हुआ था फाउंडेड, यस 1873 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, तो आपको बताना है इस इंस्टीट्यूट ये जो कि कहाँ लोकेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये लोकेटेड है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ऑल द फोर रिवर्स मेंशन्ड बिलो आर रिवर्स ऑफ केरला, ये चारों रिवर केरला से हैं, बट विच ऑफ दिस इज द साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ द स्टेट, तो साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ द स्टेट कौन सा है, नयार रिवर जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज किल्ड बाई छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ओके, तो किसकी मृत्यु हुई थी, अफजल खान का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफजल खान। नेक्स्ट है आपका, किसने डिस्कवर्ड किया था पेंसिलिन को, हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन, और यहां पर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स, ठीक है, आपको बताना है कि जो एंट जब चींटी काटती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड आपका एकदम राइट आंसर है, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कोरोना वायरस, नहीं सॉरी कोरोना वायरस नहीं, कार्निवोरस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कार्निवोरस, तो कौन सा प्लांट है जो कि कार्निवोरस होता है, तो यहां पर वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, एक तरह का पौधा होता है जो कि कार्निवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैनिन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, तो कितने कैनिन टीथ होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 4 होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम का नाम आपसे पूछा गया है, यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड के यूनिट की बात यहां पर की गई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस डेसिबल्स जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रॉबर्ट हुके डिस्कवर्ड सेल्स बाय ऑब्जर्विंग देम इन अ, तो रॉबर्ट हुके जो कि डिस्कवर्ड किए थे सेल को, तो उन्होंने किसको ऑब्जर्व करते हुए ये डिस्कवर्ड उन्होंने कर दिया था, तो कॉर्क स्लाइस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड,
इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर एनीमोमीटर जो है आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इन स्पेस? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इन स्पेस? पहले भारतीय राकेश शर्मा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन, तो सॉलिड आयोडीन का कलर क्या होता है? पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपका इंटोमोलॉजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मॉलिसेस एंड इट्स सेल्स को हम मेलकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपके स्क्रीन पर 34, यानी कि डायलिसिस इज रिलेटेड टू, तो डायलिसिस किससे रिलेटेड होता है? यस, किडनी आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि द डिजीज टेटनस इज ऑल्सो नोन एज, तो टेटनस जो कि आपने सुना होगा, तो उस डिजीज का अनदर नेम का नाम आपसे पूछा गया है, जो कि लॉक जॉ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन द इंडिया, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था भारत में? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इन विच ईयर दारोबजी टाटा सेटअप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम हम लोग टिस्को जानते हैं आप लोग, ये कब सेटअप हुआ था, कब सेटअप किया था दारोबजी टाटा ने? तो 1907 में किया था। नेक्स्ट है कि हु वॉज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु, जो 10 सिख गुरु हैं उनमें से पांचवें जो सिख गुरु हैं उनका नाम पूछा गया है। गुरु अर्जुन देव आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द, ठीक है, तो बर्मा जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था वो किस किस वो साइन करते हुए कौन सा बैटल का अंत हुआ था, कौन सा ट्रीटी एक्चुअली साइन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ, या दाबो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रीटी साइन हुआ था इन दोनों में, तब जो है ये वॉर एंड हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है आपका सेट 13 ख़त्म हो गया है, और ये जो सीरीज है ये केवल और केवल 15 पार्ट्स, यानी कि दो पार्ट्स इसके और बनेंगे, और आपके जितने भी PDFs हैं वो तो डिस्क्रिप्शन में मिला ही रहता है, बस आप रिविज़न करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।